राम राम किसान भाइयों, आपका स्वागत करता हूं मैं बुल्लू राजस्थानी ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो बायो फर्टिलाइज़र होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, उनके बारे में। कि हमको पता है, आपको भी पता है कि पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए टोटल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उनमें से जो मेन होते हैं, तीन होते हैं जो प्रथम होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस। यह NPK जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनको हम पौधों को कैसे भी दे सकते हैं, छिड़काव के हिसाब से भी देते हैं, कुछ शिक्षा में भी देते हैं। तो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे पूरी जानकारी बायो न्यूट्रिएंट के बारे में, बायो फर्टिलाइज़र के बारे में। तो दोस्तों, जो नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन का क्या मेन कारण होता है पौधे में, ये क्या है कि जो पौधे की वनस्पति वृद्धि होती है उसको बढ़ावा देता है। नाइट्रोजन वनस्पति वृद्धि के साथ साथ ये क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है। इसके बाद आता है आपका फास्फोरस। फास्फोरस का मेन कारण होता है, मेन काम होता है जड़ों का फैलाव करना, जड़ों को मजबूत करना, जड़ों को गहराई तक ले जाना। एवं इसके बाद जो फ्रूटिंग अवस्था होती है, फूल वाली अवस्था होती है, उस टाइम पे फूलों को झड़ने से रोकता है तथा फूलों को से फल बनता है वो अच्छा बनाने में और मोटा करने में इसका मेन कारण होता है। इसके बाद आपका आता है पोटास, जो कि इसका कारण होता है कि यह पौधों को तनाव से बचाता है। आपको मालूम होगा कि कभी कभी बारिश हो जाती है, कभी कभी नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में पोटास की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, पौधों को तनाव से बचाता है। पौधों को तनाव से बचाने के साथ साथ इसकी जो मेन कारण ये भी रहता है कि जो जब फूल निकल बनते हैं, जैसे कि गेहूं में दिया जाए जब बाली की अवस्था पे, तो ये क्या करता है, ये दानों को सुंदर, चमकीला, मोटा, अच्छा बनाता है। जो उसका जो बीज होता है, फल आता है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है ये पोटास। तो दोस्तों, अब आपको हम NPK का बताएंगे कि कौन सा NPK हमको कब देना चाहिए। ये हमारे पास रखा है NPK 13045 13-0, ये है श्रीराम कंपनी का पुष्टि 13-40-13, ये श्रीराम का पोषक 19-19, ये श्रीराम कंपनी का सॉप। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, जो पोटास है 50% है और इसमें सल्फर है जो 17.5% है, ये एक अच्छा है अभी कंपनी ने निकाला हुआ है। इसके साथ है हमारे पास श्रीराम कंपनी का मैन, इसमें 12-61-00 है NPK, और एक आता है NPK 0-52-40, वो हमारे पास है नहीं अभी। तो हमारे पास जो है NPK 19-19, ये NPK 19-19 है। इसको हम कब दें खेतों में, इसको हम खेतों में शुरुआती अवस्था में दें, जब पौधे अंकुरित हो जाएं, थोड़े थोड़े बड़े हो जाएं, अंकुरित होने के बाद इसको हम छिड़काव भी कर सकते हैं या ड्रिप के साथ भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो डोज है एक एकड़ का, वो 2 KG है एक एकड़ में, और इसका जो पर टंकी डोज है वो 100 ml है। ये 1 KG का आता है, ये 10 टंकियों के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों, आप NP का 19-19 है, उसका छिड़काव हमको करना चाहिए, जिससे शुरुआत में छिड़काव करने से हमको हमारी वनस्पति वृद्धि के साथ साथ जड़ों का फैलाव एवं तनाव को रोकने के लिए पोटास और फास्फोरस एवं नाइट्रोजन तीनों ही अच्छी अवस्था मिल जाएंगे। इसके बाद हमको दोस्तों, हम कौन सा फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, कौन सा NPK का उसको यूज करें। NPK 19-19 का यूज करने के बाद हमको 13-40-13 का यूज करना चाहिए, क्योंकि जब पौधा बढ़ता हुआ दिखता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसका जो मेन कारण होता है ज़्यादा वनस्पति वृद्धि, नाइट्रोजन इसमें 13% है एवं फास्फोरस है वो 40% है, पोटास है वो 13% है। ये क्या है, नाइट्रोजन वनस्पति वृद्धि बढ़ाता है, जो 40% फास्फोरस है वो क्या है, जड़ों का अच्छा फैलाव करने से पौधे को तंदुरुस्त मजबूत बनाता है। तो पोटास को तो आपने बता ही दिया, ये तनाव से बचाने का अच्छा कार्य करता है, ये भी ज़रूरी है कि दोस्तों किसान भाइयों। तो जैसे कि हमने अभी श्रीराम पुष्टि यूज करने के बाद 13-40-13 का यूज करने के बाद हमको यूज करना चाहिए NPK 12-61। जब आपका पौधा फ्लोरिंग अवस्था पर पहुंचाता है, फूल आता है, तो हमको उसी टाइम ये श्रीराम का मैप आता है, या आप किसी भी कंपनी का ले लो, पर ब्रांड कंपनी का लो, NPK होना चाहिए उसमें, नाइट्रोजन और फास्फोरस 12-61 होना चाहिए।
मैं ये नहीं कह रहा कि श्रीराम कंपनी का ही लगाओ आप, जो हमारे पास है हमारे हम लगाने वाले हैं वो श्रीराम कंपनी का लगाएंगे। तो दोस्तों ये क्या, इसमें जो फूल है बनता है अच्छा, इसमें फूल गिरेंगे नहीं ज़्यादा तरह से, इसका यूज करने से फूल और से फल बनेगा, तो इसलिए हमको NPK 12:61 यूज करना चाहिए। 12:61 यूज करने के बाद हमको फिर लगाना चाहिए श्रीराम कंपनी का आता है परवल। परवल ANPK इसमें नाइट्रोजन 13% है, पोटास आता है इसमें 45%, इसको भी हम यूज कर सकते हैं या इसको यूज नहीं करते हैं। जैसे कि फल दाना बनते समय तो हम जो 0:34 आता है उसका यूज कर सकते हैं, उसमें क्योंकि नाइट्रोजन नहीं होती है इसमें 0:52:34 में, यानी 52% फास्फोरस और 34% पोटास होता है, ये भी वो भी यूज कर सकते हैं। या फिर हम श्रीराम का पुरवा जो NPK 13:045 आता है ये भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका फल बन के रेडी हो जाता है और या बन जाता है बड़ा होता है, उसमें चमक की आवश्यकता होती है, जैसे कि आलू है, आलू आपका कम से कम 60-65 दिन का हो गया, तो हम इसको NPK जो आता है श्रीराम कंपनी का 100, इसमें 0:50 आता है, इसमें पोटास है वो 50% है और सल्फर है वो 17.5% है। तो दोस्तों इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में आपको बताया कि जो NPK है कब यूज करें कैसे यूज करें, आपको पूरा डोज मैंने बता दिया। पर टंकी डोज होता है वो 100 ग्राम पर टंकी का डोज लें NPK का, और सिंचाई के साथ हम अगर ड्रिप में दे तो 1 बीघा के लिए 2 kg लें, रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा। और आप किसी भी फसल में इसका यूज करेंगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि दोस्तों हम आपको मालूम है कि जब हम किसी कम दुकानदार के पास जाएं तो वो नाइट्रोजन का एक पैकेट देते हैं 400 रुपये का आता है, उसमें 40% नाइट्रोजन आता है, वो भी बेस्ट निकल जाता है। आप छिड़क देंगे जिसका जो पौधे हैं वो बहुत कम मात्रा में ग्रहण कर पाएंगे। ऐसे आप पोटास लेने के लिए जाओ भी मार्केट में 1500 से 1600 रुपये का पोटास का पैकेट मिलेगा, उससे अच्छा है कि हम 0:54 लगा दें या 0:50 लगा दें, तो आपको नाइट्रोजन की जो पोटास है पोटास की पूरी मात्रा आपको उपलब्ध हो जाएगी। उसमें इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड PGRों के साथ भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों इससे क्या है मेरे किसान भाइयों, आपका पैसा बचेगा, क्योंकि अभी DAP का कट्टा लेके जाएं तो 1300 रुपये का आ रहा है, 1300 रुपये का, तो 1300 रुपये में भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पर वो रिजल्ट पैसा भी ज़्यादा होगा और रिजल्ट भी कम मिलेगा। यदि आप ये ला के अपने खेत में डालते हैं या सिंचाई के साथ देते हैं, ड्रिप में देते हैं या छिड़काव करते हैं, तो रिजल्ट आपको देखने के लिए 1 से 2 दिन में ही मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरा किसान भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप NPK 1919 का यूज करें, ये क्योंकि हमारे नए किसान तकनीकी के साथ खेती करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन मेरे किसान भाइयों बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसी नई वीडियो को आपके पास सबसे पहले पहुँच सकें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भारत माता की।